हाय एवरीवन, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एडसेल लिमिटेड की कंपनी द्वारा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम निकले हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है गाइस, तो ये मैं आज पूरी सारी जानकारी बताने वाला हूँ। यदि आपके पास अपना ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, कंपनी, फर्म, तो वो आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को फिल कर सकते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी सारी जानकारी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है एडसेल। एडसेल जैसे ही सर्च करोगे तो वेबसाइट आएगी edselindia.co.in। जैसे ही आप उस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो ये देखिए सबसे नीचे टेंडर्स पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप टेंडर्स पर क्लिक करेंगे तो एक टेंडर्स का जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। ये देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर टू इम्पार्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये 20 सितंबर को पब्लिश हुआ था। इसकी जो लास्ट डेट है प्रोजेक्ट फिल करने की, वो 4 अक्टूबर 2021 है। ठीक है गाइस, तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप इस गाइडलाइन को पूरा रीड कर सकते हैं। पूरा रीड करने के लिए मैं आपको पूरी सारी जानकारी, ये देखिए, ये पूरा ईओआई निकल के आ गया। ईओआई नंबर है, डेट ये देखिए 20 तारीख को पब्लिश हुआ था। एडसेल का ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है नीचे। ठीक है गाइस, अब मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर टू एम्पार्ट दिस। दूसरी बात यह है कि ईओआई डॉक्यूमेंट कैन बी डाउनलोड, आप यहाँ से एक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, ई प्रोक्योर डॉट जीओवी डॉट इन गवर्नमेंट पोर्टल है, यहाँ से आप ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि प्रोसेसिंग फीस है आपका जो 25,000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ईओआई आपको सबमिट करना है, सबमिटेड थ्रू पोस्ट या कुरियर के थ्रू करना है। ये एड्रेस दुआ है टू चीफ जनरल मैनेजर स्किल डेवलपमेंट एडसेल इंडिया लिमिटेड 18A सेक्टर, ये पूरा एड्रेस है। तो यहाँ पे आप, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे देखिए 28/9/2028 तारीख तक क्वेरी आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, skilldivision@edsel.co.in। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए ये पूरा बढ़िया है। ये देखिए, प्री बिड मीटिंग लिंक है, 30 तारीख को एक मीटिंग है, इस लिंक से आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए, मोड ऑफ सबमिशन, सील्ड इनविलोप्स ड्यूली साइंड एंड सीरियल नंबर थ्रू पोस्ट आर कॉरियर। ठीक है गाइस, ये कॉन्टेक्ट पर्सन दिए हैं, नंबर दिया है मुकेश जी, कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं बाबा, ये देखिए यहाँ पर और टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्शन, जनरल टर्म एंड इम्पैनलमेंट। तो ये जो गाइडलाइन है या ईओआई है, मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देखिए, यदि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है आपका, क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड कंपनी होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, LLP और रजिस्टर्ड सोसाइटी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, ट्रस्ट, एसोसिएशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन शुड बी सबमिटेड, यहाँ पे करना है। दूसरा, NSDC एफिलिएशन मस्ट होना चाहिए। तीसरा, आपको लास्ट 3 ईयर्स में 10,000 कैंडिडेट को ट्रेंड किया होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है भाई, क्या आपको 10,000 बेनिफिशियरी ट्रेंड करने के बाद 10 स्टेट्स में आप कम से कम वर्क कर रहे हो। फिफ्थ पॉइंट है कि आपने लास्ट 3 ईयर्स में मिनिमम 5 स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए हों, उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए विथ, ठीक है, मिनिमम आपके जो ऑर्गेनाइजेशन उसका टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 साल में, पैन नंबर होना चाहिए, GST होना चाहिए, उनके विथ सर्टिफिकेट आपको लगाना है। द एजेंसी शुड हैव एटलीस्ट 25 रिसोर्सेस चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजेंसी शुड नॉट बी ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, डिक्लेरेशन आपको सबमिट करके देना है, और भी यहाँ पे एनेक्सर बहुत सारे हैं, और ISO सर्टिफिकेट एजेंसी का होना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल सबमिशन, सीलिंग एंड सबमिशन प्रपोजल, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, राइट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रपोजल इवोल्यूशन किस तरह होगा, इवोल्यूशन क्राइटेरिया देखिएगा, ठीक है। बिडर्स हु स्कोर एटलीस्ट 50 चाहिए 70 में से, ठीक है, पॉसिबल।
आपको ये देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इम्पैनलमेंट इज 70 आउट ऑफ 100, 100 में से 70 चाहिए। अब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, एवरेज टर्नओवर यदि आपका लास्ट 3 ईयर्स का 20 करोड़ से अबव है तो 15 नंबर है, और यदि 10 से 20 के बीच में है तो 10 नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सर्टिफिकेट सीए द्वारा सर्टिफाइड आपको लगाना होगा। उसके बाद लास्ट से आपने कितने, यदि 20 स्टेट से आप ज़्यादा में काम कर रहे हैं तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, यदि 10 से 20 में करा है तो 10 नंबर। तो यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक्सपीरियंस है, क्या किस बेसिस पे, यहाँ पे आप अपने उस चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन के आर है 70 नंबर अप्रोक्स आ रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को फिल कर सकते हैं। टेक्निकल प्रेजेंटेशन ये देखिए, एवोल्यूशन बाय एडसेल करेगा, ये आपको देखेगा 3 पॉइंट्स में वेरीफाई करेगा। ब्रीफ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन सिमिलर प्रोजेक्ट्स। दूसरे पॉइंट पे आपको देखेगा मेथोडोलॉजी क्या है आपकी स्किलिंग की। तीसरा देखेगा डिटेल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टीम स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेसिस पे आपको 30 नंबर देगा। यदि इसमें तो आप पास हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। मिस सेलिनिस ये देखिए, अब आपको ये देखिए एन एक्सर, एन एक्सर करीब करीब आपको लगाने हैं 12 11 12 11 एन एक्सर लगाने हैं आपको, ठीक है गाइस। उनके फॉर्मेट ये दिए हैं, देखिए पूरे फॉर्मेट, बिल्डर ऑफ प्रोफाइल, अंडरटेकिंग ब्लैक लिस्टिंग, फाइनेंशियल कैपेसिटी स्टेटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ठीक है गाइस। ये देखिए पूरे क्या है आपको, ये पूरे फॉर्मेट दिए हैं, केवल आपको फिल करना है। पहले आपको कंडीशन अपनी एलिजिबल देखना है आपके ऑर्गेनाइजेशन की। यदि आप एलिजिबल आते हैं, आपके 70 नंबर के आसपास भी आते हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट को फिल कर सकते हैं और एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये बढ़िया प्रोजेक्ट है, एडसेल के द्वारा है, तो बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट है, आप इसको प्रोजेक्ट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यदि गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू।